देवास में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिलने वाली राशि को लेकर मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर लगाया है। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने धरना दिया, जहां केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। धरने के बाद कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर परिसर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। देवास में कल के भाजपा के आंदोलन के बाद अब कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर पुतला जलाने की नई परंपरा चालू हो गई है। आज कांग्रेस के देवास के मंडूक पुष्कर स्थित धरना स्थल पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। आपको बता दें कि कल भाजपा ने कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री का पुतला जलाए जाने पर कांग्रेसी भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। जब प्रशासन ने कल के मामले में भाजपाइयों पर प्रकरण दर्ज नहीं किया, तो आज कांग्रेसियों ने भी उसी स्थल पर प्रधानमंत्री का पुतला जला दिया। पुलिस और प्रशासन आज भी बेबस और असहाय नजर आया। धरना स्थल से कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा और इसके पहले धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि आपदा प्रबंध की जो ग्रांट मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए वो केंद्र ने नहीं दी है, प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमारा हक मांग रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतर जाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज ग्रामीण कांग्रेस और शहर कांग्रेस से मिलकर जो धरना प्रदर्शन दिया था, चूंकि किसानों की हक की लड़ाई मध्य प्रदेश के नागरिकों की लड़ाई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी लड़ रही है। एक रुपए का भी आपदा प्रबंध की जो राशि हमें मिलना चाहिए, एक रुपए की राशि भी हमें नहीं दिए। हजारों हजार करोड़ का नुकसान इस मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से हुआ है, सबको पता है, आपको पता है, हमें पता है, परंतु केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण नीति के तहत कोई रुपया नहीं पहुंचा रही, इसलिए हमने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। क्या मानते हैं आप, कल जो है भाजपा ही जो है यहाँ पर आते उग्र होते, सीएम का पुतला फूकते, आज आप प्रधानमंत्री जी का 144 लागू हुए कलेक्टर परिसर के भीतर इस तरह से नई परंपरा का आगाज हो रहा है लगातार? मेरे पास अनुमति पत्र है आज का, नीचे जो मैंने अनुविभाग अधिकारी से कल ले लिया है, बिना परमिशन के कांग्रेस के साथी काम नहीं करता। क्या कलेक्ट्रेट के भीतर हम पुतला फूकेंगे? देखिए, मेरे भीतर या बाहर की कोई बात नहीं होती है, मैंने उसमें क्लियर लिखा है कि धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और मोदी जी का पुतला जलाया जाएगा, उसकी अनुमति मेरे पास है।